स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज एसोसिएशन के अफसरान और एहलकारों ने गैर जरूरी तबादलों और इंतजामिया के नामनासिब रवैये के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाह किया मुजाहन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे स्टेट बैंक सर्विसेज कार्पोरेशन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बीबर्ग्रेडी का कहना था की अफसरान के तबादलों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी यूनियन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई इस मुल्क में ये ऐसा एक जो, है, जो मुल्क की, की अड्डी है उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों को अपनी टारगेट बना रहे हैं स्टेट बैंक के नायब सदर अदरान गुल का इस मौके पर कहना था कि इंतजामिया का रवैया आमराना है और अफसरान की बरतफी और गैर जरूरी तबादले की सूरत कबूल नहीं करेंगे हमारे ही जो सदर है और हमारे जनरल सेक्रेटरी है उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया किस बात पे कि आपने सात माह पहले मिसकनडक्ट किया था आवाज ऊंची की थी या आप आधा घंटा ऑफिस से गए थे कि आप नाश्ता करने ये निज़ाम इंतहाई जाबराना है ये फिरौनीत पर मबनी है मुजाहन का कहना था कि उनके साथ इजहार कजहती के लिए मुल्क भर में स्टेट बैंक के मुलाजमी बाजुओं पर शया पटियाँ बांध कर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं इंतजामिया ने इजहार कजहती करने वाले मुलाजमीन को भी इजहार वजुआ के नोटिस जारी कर दिए हैं कैमरा मैन बाबर खान के साथ मोहम्मद खालिद आज न्यूज को